सब लोग बैठे हैं कि ऊपर जो बड़ी वाली बाल्टी है वो अभी पानी नीचे गिराएगी, वो नीचे गिराने लगी, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से है। ओह जो बैठे लोग हैं वो इन्जॉय करते हैं, ये पूरी फैमिली इकट्ठी आ रही है साथ में। अब हम वाटर पार्क में आ चुके हैं, माजरत के साथ आपको आवाज़ बहुत कम नजर सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर पानी का शोर बहुत ज़्यादा है और मेरी आवाज़ जो है वो बहुत कम आ रही है। अभी आप देख सकते हैं पीछे मेरे वाटर पार्क का लगा हुआ बोर्ड, अभी आपको दिखाते हैं हम। अभी आप देख सकते हैं इधर वाटर पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क है, चलें इसका पूरा नज़ारा करते हैं। ये इस पूरे चुरडंग पार्क जो है इसका ये मैप है, इसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं, आपने कहीं भी जाना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जहाँ भी आपने जाना है इस मैप को यहाँ से फॉलो करें, जगह जगह पे आपको लगा हुआ नज़र आएगा, इसको फॉलो करें और जहाँ भी आपने जाना है जा सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर हैं, अभी ये झील है और इसके बाद आता है वाटर पार्क, वाटर पार्क है अभी इस यहाँ पर मैं हूँ। ये ऊपर छाँव का उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ क्योंकि धूप होती है इस टाइम, अभी 4 से 6 बजे तक ये खुला हुआ है, अभी 2-2 घंटे के सेशन होते हैं असल में, 12 से 2 बजे तक, 2 से 4 और फिर 4 से 6 और फिर 6 से 8, तो इस टाइम तो खैर धूप होती है इसलिए उन्होंने ये छाँव का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ, ऊपर जो अम्ब्रेला बनाए हुए हैं, छतरियाँ बनी हुई हैं, फैमिली जिनके नीचे बैठी रहती हैं और जो बच्चे हैं वो मोस्टली नहाते रहते हैं। वो ऊपर बास्केट आपको नज़र आ रही होगी, जो सबसे ऊपर बड़ी वाली बास्केट है वो पानी से भर रही है इस वक्त, और जैसे ये फुल हो जाती है तो एकदम पानी सारा का सारा नीचे गिरता है, बाल्टी खुद ब खुद ही उलट जाती है और पानी सारा नीचे गिरता है, और जो नीचे लोग खड़े होकर नहाते हैं एंजॉय करते हैं। मर्द औरतें हर उम्र के और बच्चे सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ नहा रहे हैं, ये सबसे ख़तरनाक है, ये जो ऊपर से लाइट आ रही है बंद है, ऊपर से बंद है येलो और ब्राउन कलर की, ये बहुत डेंजरस है। इसके अंदर से मैं भी 1-2 बार ट्राई की है, ये बड़ी स्पीड से बंदा ऊपर से आता है, एक तो बंद है, एक तो ऐसे थोड़ा भयानक साफ बन जाता है, और दूसरा आगे से जा के फिर ये जो गोल चक्कर सामने नज़र आ रहा है उसके अंदर बंदा घूमता है पूरा चक्कर फिर नीचे आता है, यहाँ से अभी आपको नीचे कोई ना कोई आता हुआ नज़र आएगा। ये फैमिली इधर लोग बैठे हुए हैं, फैमिली जो नहीं नहाना वो जो बाहर बैठ जाते हैं, तो पीछे आपको जंगल नज़र आएगा, साथ ही जाली लगी हुई है फेंस, फेंस के दूसरी तरफ ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर ट्रेन चलती है, ये जो सड़क बनी हुई है यहाँ पर ट्रेन चलती है, जो पैसेंजर्स को लेके आती है पार्क के अंदर बाइक से, जो पार्क की ही पार्क का हिस्सा, और ये पीछे जंगल बना हुआ है। एक ये छोटी स्लाइड है ग्रीन कलर की, ये बच्चों के लिए है, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, वो आपने देखी होगी छोटी बास्केट अभी
पुल भर के तो नीचे वो खुद खुद ही उंडेली गई है, पानी नीचे गिरा सारा, पानी बहुत खुश होता है, नीट एंड क्लीन है उसके लिए। हर तरफ पानी ही पानी गिर रहा है, बहुत स्पीड के साथ और प्रेशर के साथ, इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा शोर है। ये नहीं, एक बार फिर वो बाल्टी नीचे गिरी है। स्नैक और ये फूड कोर्ट है इधर, दो यहाँ से आपको खाने पीने की फ्रेश पिंच की चीज़ें मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनके लोकल जूसेस जो हैं, बर्गर बर्गर और नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का एक टच है, तो इसलिए शायद आपको थोड़ा नज़र आएगा ड्रेसिंग के हवाले से। वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसिंग है, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम है वो तो वेस्टर्न कल्चर की ही ड्रेसिंग पहनती हैं लेडीज़, लेकिन जो मुस्लिम है वो पूरा अपना ढांप के रखती हैं। ये आप देख सकते हैं, अपने सर को भी ढांप के रखती हैं, सर के ऊपर स्काफ, हर वक्त एक छोटी बच्ची से ले के 5-6 साल की बच्ची से ले के बड़ी औरतों तक सर ढांप के रखती हैं और पूरा ड्रेस पहनती हैं, चाहे वो पैंट शर्ट पहने, ट्राउज़र पहने। ये लें जनाब, फिर आई है बात। ये वाली ब्राउन कलर की जो स्लाइड है, ये दूसरी बड़ी स्लाइड है, लेकिन ऊपर से ओपन है, ये इतनी डेंजरस नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें बल हैं, कर्व राउंड एंड राउंड घूम के आती है और ज़्यादा स्पीड से नहीं आती ना, बंदे बच्चे जो इसमें स्लाइड लेते हैं तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ये बच्चों के लिए सेफ है काफ़ी। मैंने भी कई बार ट्राई की हुई है, ये देखें आप ऐसे पानी में आके आराम से गिरते हैं, लेकिन ये कि ऊपर से घूम के आती है काफ़ी देर लग जाती है, इसमें काफ़ी लंबी बन जाती है, काफ़ी ऊपर से घूम फिर के बार बार घूमती है दाएं बाएं, तो फिर बंदा नीचे आता है। एक और आ रहा पीछे, बच्चे भी आ रहे हैं पीछे। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये सीढ़ियों पर जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के आपने किसी भी तरफ जाना हो जा सकते हैं। बताओ भाई, देख के हाथ ला रहे हैं, ऊपर गए हैं फूल। साथ भी आ गया, साथ साथ पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, ये बच्चों के लिए एक अच्छी बात है, सेफ है, जो एंजॉय करने वाली चीज़ है बच्चों के लिए, ये स्लाइड्स हैं, बच्चे बार बार ऊपर जाते हैं और बार बार स्लाइड लेके फिर नीचे आते हैं। वो आप नज़र आ रहा होगा सामने,
से ऊपर जा रहे हैं दोबारा। अभी साहब नीचे आया था, अभी दोबारा फिर ऊपर चढ़ गया, अभी फिर ऊपर से कोई ना कोई स्लाइड लेके वापस आएगा। तो भाई आ गया, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ये पूरी फैमिली इकट्ठी आ रही है साथ में, हर उम्र के लोग यहाँ आपको नहाते हुए नजर आएंगे, इकट्ठे मेल फीमेल मर्द औरतें लड़कियां लड़के सब एक साथ। तो यहाँ वो कोई इतना नहीं समझा जाता, कोई दूसरे को तंग नहीं करता, कोई बुरी नज़र से नहीं देखता, तो सब अपने काम से काम रखते करके रही ऐसा है। देखिए आदमी कितने लोग वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं बास्केट को गिरने का, जो सब लोग बैठे हैं कि ऊपर जो बड़ी वाली बाल्टी है वो अभी पानी नीचे गिराएगी, वो नीचे गिराने लगी, आप देख रहे हैं बहुत तेजी से आया। ओ हो 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 क्योंकि जो बैठे लोग हैं वो इंजॉय करते हैं, अब उठ रहे हैं नहा लिया सब ने, थोड़ा जल जाता है कि पाँच से सात मिनट बाद बाल्टी नीचे पानी गिराती है, तो लोग वहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। बात कह रहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी, और ये जो मेरे पास ही ब्राउन कलर की स्लाइड है उससे वो अभी नीचे आएगा, वो ऊपर जा रहे हैं समा भाई और महादेव। वो ऊपर पहुंच गए दोनों ही, अभी वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड एक खड़ा हुआ है, गार्ड एक खड़ा है, वो इनको बारी बारी दोनों को बिठाएगा इसके अंदर और दोनों स्लाइड करके नीचे आ गए। यहाँ से नज़र नहीं आएगा लेकिन जब नीचे उतरेंगे नीचे पहुँचेंगे वहाँ से नज़र आएगा। आ जाएँ आ जाएँ शाम भाई आ जाएँ, समा भाई आ गए और पीछे महा बहुत तेरी खैर। मज़ा आया, मज़ा आ गया।